Namaskar students, I hope you all are fine and safe. Students, today we will start our next chapter, chapter number 13, time. So students, as we all know that time है वो हमारी life के अंदर बहुत ज़्यादा important है. Without timing हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, वो टाइम पे ही हमें रहना चाहिए. अगर हमारा टाइम है वो मिस हो जाता है तो वो वापस कभी आ सकता नहीं है. तो ये चैप्टर के अंदर हम उसके बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन हम हार्ड वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट वन है टाइम. तो स्टूडेंट्स, टाइम है ये हमको पता ही है. देन है जर्नी. जर्नी यानी कि हम कहीं पे भी जाते हैं पिकनिक करने के लिए, या स्कूल की तरफ से कोई पिकनिक होती है, फील्ड ट्रिप होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? जर्नी. जब हम एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं, कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? जर्नी बोलेंगे. देन है कज़िन. कज़िन यानी कि हमारा जो सिबलिंग. सिबलिंग यानी कि हमारे जो सगे सिस्टर और ब्रदर है वो नहीं, कज़िन यानी कि हमारे अंकल का लड़का होता है वो. ओके, देन है हंग्री. हंग्री यानी कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है वो. जब हम बहुत ज़्यादा भूख वो महसूस करते उसको हम क्या बोलेंगे? हंग्री बोलेंगे. देन है डार्क. डार्क यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ अंधेरा जब होता है रात के समय वो. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, टाइम. इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी टू देहरादून. रघु अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स एंड कजिन जतिन वॉज गोइंग टू देहरादून इन हिज फादर्स स्कॉर्पियो कार. क्या है, रघु नाम का लड़का है वो अपने पेरेंट्स के साथ और अपना जो कज़िन है उसका नाम जतिन है, वो सब मिलके देहरादून है वो जा रहे थे. स्कॉर्पियो कार के अंदर बैठ के जा रहे थे. देन है रघु वॉज फीलिंग हंग्री एंड आस्क हिज मदर इफ़ ही कुड ईट चिप्स. रघु वॉज फीलिंग हंग्री. रघु को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और वह उसके मम्मी को खाने के लिए पूछ रहा था. उसको क्या खाना था? चिप्स खानी थी. तो उसके मम्मी ने क्या बोला? नो रघु, यू आर नॉट गोइंग टू ईट चिप्स, वी वुड सुन बी स्टॉपिंग फॉर लंच, रिप्लाइड हर मदर. फिर उसके मम्मी ने क्या बोला? नो रघु, तू चिप्स नहीं खाएगा, अभी थोड़ी देर के अंदर ही हम लंच के लिए रुकने वाले हैं. देन उसका कज़िन जतिन है वो बोलता है, रघु कैन यू टेल मी व्हाट टाइम ऑफ द डे इट्स नाउ. जतिन ने क्या पूछा? रघु तू मुझे बता सकता है कि अभी कौन सा टाइम है वो चल रहा है? रघु सेज नो, आई डोंट नो. रघु ने बोला मुझे नहीं पता है. जतिन सेज इट इज़ मॉर्निंग, व्हेन द सनराइज द सनसेट्स इन द इवनिंग एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स डार्क. So when it gets dark and starts come out in the sky is it night. Students, हम सबको पता ही है जब direction का chapter हमने देखा था तब हमने देखा था कि sunrise है वो किस में होता है? Morning में होता है, और sunset है वो evening में होता है. उसके बाद जो darkness आता है वो क्या है? Night है. क्या होगा वो? Night है. Night के अंदर stars है वो भी sky के अंदर निकलते हैं. ओके, देन डैडी सेज जतिन डू यू नो व्हाट हैपन्स बिटवीन मॉर्निंग एंड नाइट. डैडी ने क्या बोला? जतिन डू यू नो मॉर्निंग और नाइट के बीच में क्या होता है? जतिन ने बोला नो अंकल. जतिन ने क्या बोला? अंकल मुझे नहीं पता है. तो स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं वर्कशीट का वर्क है वो. चैप्टर नंबर 13, टाइम, डे वन, MCQs है. वो वॉज फीलिंग हंग्री. अब किसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी? तो रघु को लगी थी. तो हम रघु पे टिक मार्क करेंगे. देन वी कैन ईट फूड व्हेन वी फील. हम खाना खाते हैं, हमको क्या होता है तब हम खाना खाते हैं, हम क्या फील करते हैं? हंग्री. हाँ, हमें जब भूख लगती है तब ही हम खाना खाते हैं. ओके, देन फील अप है. स्टार्स कम आउट इन द स्काई इट इज डेस. जब स्टार्स है वो स्काई के अंदर आते हैं तो वो क्या होगा? नाइट होगा. देन द सनसेट इन द डेस. सनसेट किस में होता है? वेस्ट में होता है. देन ट्रू और फॉल्स. क्लॉक टेल अस टाइम. तो वो राइट है क्योंकि क्लॉक ही हमें टाइम बताता है.
Then the sunrise in the morning. Sunrise वो कब होता है? Morning में होता है, okay? Students, आपको homework के अंदर क्या करना है? पहले chapter है, जितना हमने explain किया अभी वो read करना है. उसके बाद hard word है, वो लिखना है. उसके बाद worksheet का जो day one है, वो करना है, okay? Thank you.